दोस्तों Realme 3 के लॉन्च के बाद यहाँ पे Realme 3 Pro के कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन निकल के आ रहे हैं और इसके अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन में और क्या कुछ है इस फोन में। इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ट्रेंड है वो इस फोन में देखने को मिल जाएगा, यानी Realme 3 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात कर लें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 6.3 इंच का सुपर अमोल्ड डिस्प्ले जो कि रहेगा। बैक साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ये फोन आएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर जो रन करेगा एंड्रॉइड वर्जन 9.0 5 पे और यहाँ पे खास करके गेमिंग वगैरह के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है फोन। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दो वेरिएंट में फोन। पहला जो वेरिएंट रहेगा वो रहेगा 4GB रैम विद 64GB इन बिल्ड और दूसरा जो वेरिएंट रहेगा वो रहेगा 6GB रैम विद 128GB इन बिल्ड। और आप अगर ये मेमोरी एनफ नहीं होता है एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपैंड कर सकते हैं, इसके लिए आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया जाएगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे माना जा रहा है कि ये फोन आने वाला है ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ जो कि रहेगा 16MP प्लस 5MP रेयर में और यहाँ पे फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएगा 25MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा पिक्चर क्वालिटी देगा ये फ़ोन। और यहाँ पे सेंसर्स वगैरह आपको जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है और बजट फोन में खास करके बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों बैटरी की बात करें तो माना जा रहा है कि ये फ़ोन आने वाला है 4230 mAh बैटरी के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा बैकअप देगा और ख़ास करके इसमें आपको वोक सुपर फास्ट चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इस फ़ोन में। और यहाँ पे लॉन्च डेट की बात करें तो माना जा रहा है कि ये फ़ोन 3rd week of April में लॉन्च होने का अनुमान है। और यहाँ पे प्राइस की बात कर लें तो माना जा रहा है कि ये फ़ोन 13,000 से लेकर 14,000 तक इसकी प्राइस रखी जा सकती है इंडिया में। तो दोस्तों जब ये लॉन्च होता है तो क्या कुछ और खूबियाँ लेके आता है फ़ोन, और कुछ जानकारी चाहिए आपको तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अभी तक आपने नहीं किया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।